हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अब तक की बेस्ट फीमेल चेस प्लेयर जुडिथ पोगर की एक बेहतरीन गेम देखने वाले हैं और ये गेम उन्होंने तब खेली थी जब वो सिर्फ 8 साल की थी। सो दोस्तों, कोई भी लोग अगर जुडिथ पोगर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि वो अब तक की जो है बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल चेस प्लेयर हैं। वो जब 15 साल की और 4 महीने की थी तभी उन्होंने जो है बॉबी फिशर का रिकॉर्ड तोड़ा था जीएम बनने का, यंगेस्ट जीएम। इससे पहले जो है रिकॉर्ड बॉबी फिशर के नाम पे था और उसके बाद जो है जुडिथ पोगर ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था यंगेस्ट जीएम का। वो जो है उनको हंगेरियन जो है मेंस टीम होती है चेस की, उनका जो है कोच एंड कैप्टन बनाया गया है। सो देखिए, एक फीमेल प्लेयर जो है वो मेंस टीम की जो है कोच एंड कैप्टन बनी एंड उनको जो है हंगेरियन का बेस्ट जो ओनर ऑफ द बैच अवार्ड होता है वो मिला 2015 में। दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर थी वो। उन्होंने अब तक जो है वर्ल्ड के टॉप प्लेयर और आप बोल सकते हो कि 11 जो कि वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं ऐसे बंदों को उन्होंने हराया है। तो आइए देखते हैं उनकी गेम जिसमें उनके वाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत e4 से की। एंड नाउ c5 सिसिलियन डिफेंस, उनके ओपोनेंट एल जेंड्रिया ने खेला। एंड नाउ नाइट टू f3, d6, d4, c takes on d4, नाइट टेक्स ऑन d4। सो दोस्तों, ये बेसिकली ओपन सिसिलियन, नाइट f6, नाइट c3 एंड नाउ f6 सिसिलियन डिफेंस का सबसे पॉपुलर एंड फेमस वेरिएशन नाइडरोफ वेरिएशन। एंड नाउ बिशप टू c4, e6 एंड नाउ बिशप टू b3, यहाँ पे जो है b5 एंटिसिपेट कर रहा है वाइट। एंड नाउ बिशप टू e7, f4, कैसलिंग शॉट, क्वीन टू f3, नाइट b2 d7 एंड नाउ g4। सो देखिए दोस्तों, अभी से जो है यहाँ पे जुडिथ पोगर ने अटैक स्टार्ट कर दिया है और वो 8 साल की थी तो शायद इसलिए उनका अटैक जो है इतना मैच्योर नहीं था, बट फिर भी ये उनका जो है वो स्टाइल दिखा रहा है कि वो पहले से ही जो है बचपन से ही ऐसी थी, उनको जो है शायद अटैक करना ही अच्छा लगता था। सो नाइट b2 d7 के बाद g4 और अब ब्लैक जो है एक्चुअली d5 कर सकता है, क्योंकि जब भी ओपोनेंट का किंग जो है सेंटर में होता है तब उधर जो है एक्चुअली आपको सेंटर लाइंस ओपन करनी चाहिए और यहाँ पर ऐसा ही कुछ जो है स्टॉक भी सजेस्ट कर रहा है जिसमें आगे चल के जो है ब्लैक को मिनिमम इक्वलाइज गेम मिल सकती है। बट हमारे गेम में एक्चुअली ब्लैक ने खेला e5 जो कि गलती है, क्योंकि अब ये नाइट जो है वो f5 स्क्वायर पे चली गई जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है स्क्वायर है। और उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों कि अगर ये बिशप चला जाता है देन देखिए f5 g5 एंड f6 जो है वो सुविधा ही आ रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली अब वाइट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक मिल रहा है। नाइट c5 ब्लैक ने खेला एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन e7, क्वीन टेक्स ऑन e7। और दोस्तों, ये जो है इस गेम की पहली मोमेंट है जहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है और सोचना है कि वाइट को किस तरह से अटैक कंटिन्यू करना चाहिए, f5 खेलना चाहिए या फिर g5 खेलना चाहिए। गेम में जो है वो जुडिथ पोगर ने g5 खेला, बट दोस्तों ये जो है वो थोड़ी मिस्टेक है, थोड़ी नहीं शायद जो है ये गेम की मिस्टेक है जिसमें ब्लैक को तुरंत ही जो है इक्वलाइज करने का चांस मिल गया। एक्चुअली वाइट को f5 ही खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि f5 खेलने से क्या होगा कि ब्लैक को जो है पॉन कैप्चर्स ऑन f4 का टाइम नहीं मिलेगा। सो जब जुडिथ पोगर ने g5 खेला, यहाँ पर ब्लैक ने नाइट f2 d7 खेला, ये ब्लैक की गलती थी। ब्लैक को खेलना चाहिए एक्चुअली नाइट कैप्चर्स ऑन e4। सो ये टेम्पररी पीस सेक्रीफाइस है क्योंकि नाइट कैप्चर्स ऑन e4 के बाद अब देखिए पोन टेक्स ऑन f4। सो अभी किंग सेंटर में है, नाइट पिन है, सो ये नाइट जो है वो जाने वाली है। यहाँ पे वाइट बिशप कैप्चर्स ऑन f4 खेल सकता है एंड इस पोजिशन में सिंपली यहाँ पे दोस्तों नाइट कैप्चर्स ऑन e4 एंड आफ्टर कैसलिंग लॉन्ग ये गेम जो है अब तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट अगर आप पहले क्वीन कैप्चर्स ऑन e7 के बाद से f5 खेलती हो देन ख़त्म। यहाँ पे जो है ब्लैक के पास कोई काउंटर प्ले नहीं है, वाइट नेक्स्ट रूम में g5 खेल रहा है, आपके पास जो है उसका कोई आंसर नहीं है। अगर आप जो है h6 खेलते भी हो तब हम यहाँ पे जो है इवन h4 एंड g5 भी खेल सकते हैं, बट डायरेक्टली g5 भी जो है वो पॉसिबल है। बट एनीवेज, गेम में क्वीन कैप्चर ऑन e7 के बाद जुडिथ पोगर ने g5 खेला, मिस्टेक, एंड ब्लैक ने भी जो है वो सामने ब्लंडर की नाइट f2 d7, उनको जो है e4 पर कैप्चर करना चाहिए था। एंड नाउ f5, सो देखिए कितना दोस्तों स्ट्रॉन्ग अटैक आ रहा है, स्पेशली ये बिशप यहाँ पे है, इसकी वजह से आप जो है f6 जैसी मूव ही नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे a5 ब्लैक ने खेला, शायद बेटर यह था दोस्तों कि उसी जगह पे जो है आप नाइट कैप्चर्स ऑन b3 खेले एंड देन जो है माइट बी उसके बाद जो है आप f6 के लिए सोच सकते हो। बट एनीवेज, a5 ब्लैक ने खेला एंड नाउ नाइट टू d5, क्वीन पे अटैक है एंड नाउ क्वीन टू d8। और अब जुडिथ पोगर ने यहाँ पे खेला दोस्तों रुक टू g1। सो उनका आइडिया ये है कि वो नाइट f6 या तो जो है पोन f6 खेलना चाहती है और इस पोजीशन में से आप नाइट कैप्चर्स b3 खेलते हो, पोन कैप्चर्स b3 खेलते हो और अब f6 करके कुछ डिफेंस करने की ट्राई करते हो, देन वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि क्वीन टू h3 दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थ्रेट है जस्ट g6 की, जिस केस में अगर h6 आता है
तो बिशप कैप्चर्स ऑन h6 जो है वहाँ पे जस्ट विनिंग है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, से b5 ब्लैक कैरलेस रहता है, देन g6 h6 और अब जो है बिशप टेक्स ऑन h6। अगर आप कैप्चर नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप कैप्चर g7 आ रहा है, कैप्चर कर लेते हो, देन सिंपली उधर दोस्तों क्वीन कैप्चर्स और अभी देखिए चेकमेट की थ्रेट है और इसको सेव करना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। आप जो है रुक f7 कर सकते हो बट उसमें भी हम जो है उसको कैप्चर करके रुक से जो है डिस्कवर चेक दे सकते हैं। सो ये पोजीशन जो है जस्ट विनिंग थी। सो रुक g1 गेम में खेला गया, ओके बी सिक्स है ना, रुक टू जी फोर जुडिट पोलगर ने खेला, जबकि उधर दोस्तों कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है नाइट टू एफ सिक्स खेल सकते हो, जिस केस में गेम कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो सकती है, लाइक नाइट कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स, पॉन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स और अब यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स एफ सिक्स जो है वो ओनली मूव है। अगर आप ये नहीं करते हो तो कुछ ही मूव्स में चेकमेट हो जाएगी, बट इस केस में दोस्तों बिशप टू जी फाइव में क्वीन ट्रैप हो रही है। सो से नाइट कैप्चर्स, पॉन कैप्चर्स यहाँ पे आप ट्राई करते हो जी सिक्स थी, बट देन ओके एफ कैप्चर्स, पॉन कैप्चर्स, रुक कैप्चर्स और उसके बाद क्वीन एच फाइव चेकमेट हो रही है। सो नाइट कैप्चर्स, पॉन कैप्चर्स एंड से यहाँ पे आप जो है बिशप टू बी सेवन खेलते हो, राइट आप इग्नोर करते हो टोटली और ई फोर पोन को अटैक करते हो, बट देन रुक टेक्स ऑन जी सेवन चेक, किंग एच एट और यहाँ पे आप चाहो तो रुक कैप्चर एच सेवन करके भी चेकमेट कर सकते हो या क्वीन एच फाइव करके नेक्स्ट मूव में चेकमेट के लिए जा सकते हो। सो वाइट जो है टोटली विन था, बट गेम में क्या हुआ, बी सिक्स के बाद जुडिट पोलगर ने खेला रुक टू जी फोर, सो अपना रुक जो है वो गेम में ले आई, आई मीन वो जो है शायद एच फाइव पे दोस्तों यहाँ पे कुछ सोच रही है, है ना, नाइट कैप्चर्स ऑन बी थ्री, ए कैप्चर्स ऑन बी थ्री, नाइट टू सी फाइव एंड नाइट टू एफ सिक्स चेक, जी कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स। सो यहाँ पे नाइट एफ सिक्स चेक के बाद से आप जो है इग्नोर करते हो, राइट उसको किंग एच एट खेलते हो, देन दोस्तों वाइट खेल सकता है क्वीन टू एच थ्री, सो यहाँ पे थ्रेट है क्वीन कैप्चर एच सेवन चेकमेट की, और अगर आप जो है वहाँ पे पोन पुश करते हो देन हम जो है उसको मार भी सकते हैं, लाइक पोन कैप्चर्स और वहाँ पे विन है। सो क्वीन एच थ्री के बाद अब अगर आप नाइट को कैप्चर करते हो देन रुक टू एच फोर जो है और कुछ ही मूव्स में चेकमेट हो जाएगी, बट गेम में चलते हैं जहाँ पे नाइट टू एफ सिक्स के बाद एक्चुअली पोन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स खेला गया एंड नाउ जी कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स और यहाँ पे दोस्तों वेरियस मूव है विन करने की आफ्टर किंग एच एट। गेम में जुडिट पोलगर ने क्वीन टू एच थ्री खेला और ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया, जबकि किंग एच एट के बाद आप जो है बिशप टू एच सिक्स के लिए भी जा सकते हो और ये पोजीशन जो है वो भी वाइट के लिए विनिंग है, बट ओके क्वीन एच थ्री एंड ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको जुडिट पोलगर की ये गेम और आज का वीडियो, आई होप मेरा वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपने कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।